हाड़ौती संभाग में धीरे धीरे कैंसर महामारी अपने पैर पसार रही है। हाड़ौती में सबसे बड़े अस्पताल MBS के कैंसर विभाग में प्रतिदिन 8 से 10 मरीज नए आ रहे हैं, जिसमें मुंह के, गले के, ब्रेन के, बच्चेदानी के, स्तन कैंसर के मरीज अधिक आ रहे हैं। MBS अस्पताल के कैंसर विभाग में प्रतिदिन लगभग 150 से 200 मरीज OPD में आ रहे हैं, जिसमें पुराने मरीज भी शामिल हैं। वर्तमान में MBS अस्पताल के कैंसर विभाग में कोबोल्ट थेरेपी, ब्रेकी थेरेपी, कीमोथेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। कैंसर विभागाध्यक्ष डॉक्टर RK तंवर का कहना है कि जिस लीनियर एक्सीलेटरेटर मशीन का पिछले कई वर्षों से हाड़ौती की जनता को इंतजार था, वह अब जल्द ही कोटा MBS में लग जाएगी। उसके बाद हाड़ौती के कैंसर रोगियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इस मशीन के अभाव में कई कैंसर रोगी उदयपुर, बीकानेर, जयपुर इलाज देने के लिए जाते थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी। इस मशीन के लगने के बाद कैंसर रोगी प्रथम व द्वितीय अवस्था में इलाज लेने पर यहीं तो ठीक हो जाएंगे। वर्तमान में कोटा MBS अस्पताल में लगभग 25 से 30 कैंसर रोगियों की भर्ती करने की व्यवस्था है। हालांकि जरूरत पड़ती है तो अतिरिक्त बेड लगाकर व्यवस्था कर दी जाती है।